नमस्ते एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूँ कोमल। आज है जनवरी की 7 तारीख और पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को अनबॉक्स करके दिखाया था फ्लिपकार्ट से मंगवाया हुआ एक प्लांट स्टैंड जो कि रेड कलर का था, बहुत ही खूबसूरत है। अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। और हाँ, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ से देखिएगा ज़रूर। और यहाँ पर मैं काफ़ी सारे वीडियो ऐसे बनाती रहती हूँ जो होते हैं काफ़ी लो बजट एंड नो बजट के साथ में, लेकिन ये तो पैसों वाली चीज़ है ना। तो देखिए, ये एक ब्लैक कलर का मैंने स्टैंड मंगवाया है। इसको अनबॉक्स अभी अभी हमने कर लिया है और अभी हम इसको पूरा आपको तैयार करके दिखाएंगे। फिर इससे पहले लेकिन मैं आपको अपना वो रेड वाला प्लांट स्टैंड दिखा देती हूँ। तो देखिए गाइस, ये वाला स्टैंड है जो पिछली बार इस वीडियो से पहले मैंने शेयर करा था और ये एक रेड कलर का है, 2 स्टेप का है। और इसके प्राइस वगैरह मैंने पूरी डिटेल वहाँ शेयर की है, अगर आप लोग ये मंगवाना चाहते हैं तो ज़रूर से मंगवाइए। काफ़ी सॉलिड है और देखिए इस पर कुछ इस तरीके का डिज़ाइन पड़ा है। तो चलिए अब हम वाला भी अनबॉक्स करते हैं और उस पर भी अपने सारे प्लांट्स रखेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। लेकिन बीच में आपको दिखा दूं, ये हजारी वाला जो गेंदा होता है ना, देखिए कितनी अच्छे तरीके से खिल रहा है। और इसके पास में ही एक डहेलिया का न्यू कलर भी हमारे यहाँ निकल आया, पास में है गुलेदाउदी, नहीं सॉरी ये है हिबिस्कस। और दूसरा वाला भी दिखाती हूँ। तो देखिए डहेलिया किस तरीके से लगाना चाहिए ताकि आखिर तक उस पर ऐसे ही हैवी हैवी फ्लावर्स आते रहें। देखिए, तो उसके लिए आपको मेरे पिछला वीडियो देखना पड़ेगा और वीडियो बहुत ही आसान सा है, आप देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। और देखिए काफ़ी सारी बर्ड्स निकल लेंगी और सारी की सारी उतनी ही अच्छी और हेल्थी कंडीशन में है। और इधर कुछ इस तरीके से प्लांट रखे हुए हैं, देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और अब हम आपको जल्दी से ये वाला स्टैंड भी ओपन करके दिखाते हैं। और देखिए भैया, ये कैंची लाओ, कैंची से कट करो इसको अच्छे से। और देखिए गाइस, वैसे तो मेरे पास मेरे को स्टैंड लेने का इस बार मन नहीं था, लेकिन एक्चुअली मेरे पास जो टेरेस है उसकी टेरेस पे जगह बहुत कम है, बहुत बड़ा मेरा टेरेस नहीं है, प्लांट्स ज़्यादा हो गए हैं। तो ये 2 या 3 स्टेप वाले मैं जो मंगवा रही हूँ स्टैंड, उससे ये है कि एक ही जगह पर 2-2, 3-3 रो बनी रहेंगी, सारे प्लांट अच्छे से विजिबल भी होंगे और देखने में भी खूबसूरत लगेंगे। हो बाबू, धीरे से धीरे से। तो चलिए हम इसको एक बार खोल के दिखा दो सबको। देखिए देखिए, थोड़ा सा खोलना के ऐसी, वाह ये भी अच्छा है, सॉलिड है। और ये मैं आपको बता दूं कि काफ़ी भारी है, काफ़ी भारी था। और हाँ, साथ में उन्होंने इस तरीके का पेपर भी भेजा है, तो इस तरीके के भी उनके पास स्टैंड है जो उनकी कंपनी है। तो देखिए, इसका पूरा लिंक मैं आपको दे दूंगी, तो आप जिस तरीके से के भी प्लांट्स स्टैंड मंगवाना चाहें तो मंगवा सकते हैं। देखिए, एक ये वाला भी मैंने देखा था और ये वाला भी मेरा मंगवाने का मन था, काफ़ी अच्छा था, लेकिन जो सबसे ऊपर वाला है ना, ये बिल्कुल ठीक बनकर ऐसा ही लगेगा। तो चलिए जल्दी से तैयार करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं धीरे से धीरे से। तो गाइस देखिए, पूरा स्टैंड हमने असेंबल कर लिया है। और गाइस, इसको असेंबल करना बेहद ही आसान था, साइड के दोनों पार्ट्स ऑलरेडी अटैच थे, बस ये वाले जो स्टेप हैं हमने इनके ऊपर रख के, ये जो नट्स हैं इसके साथ में आए हैं, इनको अच्छे से उसमें फिक्स कर दिया था। तो गाइस, कोई भी चीज़ हमें अलग से ख़रीदनी नहीं पड़ी, ये स्टैंड मैंने फ़्लिपकार्ट से 2000 रुपीज़ का मंगवाया है। अगर आप लोग इसको ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और हाँ गाइस, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा विद बेल आइकन। फिर से मिलेंगे एक नई टॉपिक नई जानकारी के साथ में। वीडियो किसी भी रीजन टॉपिक पे अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।